गाइस मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ न्यूज में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक ऐसे बैरेंट सागर के बारे में जो कि 10 साल में गायब होने वाला है। क्यों गायब होने वाला है चलिए जानते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि बैरेंट सागर के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, 10 साल के बाद ये गायब ही हो जाएगा। कोई चीज अचानक से गायब हो जाए और उसका पता हो हमें ये गायब होने वाली है तब काफी ज्यादा अजीब सा लगता है, क्योंकि हर एक चीज हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता है कि अलग अलग जो कि मौसम है वो अभी वातावरण के ऊपर काफी ज्यादा कहर भी बरसाया और उस दौरान ही अचानक से अभी जो मौसम है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बदलने के साथ साथ अभी ये एक ऐसा बर्फीला एक ऐसा प्रांत है, एक ऐसा सागर है जहां पर पेंगुइन ये वहां पर रहते हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु है जो कि उसी बर्फ में रहते हैं, अपना टाइम बतीत करते हैं, पर 10 साल में वातावरण के चेंजेस के कारण ये पानी में बदल जाएगा, जो कि पानी के मैप है उसमें भी बदलाव आएगा और वहां के जीव जंतुओं को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और ये इसका टाइम साइंटिस्ट ने दिया है 10 साल का। तो आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी हमारे चैनल की तरफ से अच्छी लग रही होगी, बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।